यस मैम। ओके सो कल हमने ना एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बताया था। वो हमारा टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो गया था। आज जो हम बच्चा पार्टी स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया, जिसमें हम फीमेल वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और फीमेल वाले में भी हमने देखो क्या क्या देख लिया है, ओवरीज देख लिया है, यूट्रस देख लिया बेटा, और क्या देख लिया है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया देख लिया है। ठीक है, अब हम जो देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं अब मेमोरी ग्लैंड्स। क्या देखने जा रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में कि यार ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स वी ऑल नो दैट अ ब्रेस्ट फीडिंग ग्लैंड्स व्हिच हैज बीन प्रेजेंट इन वुमेन्स। ठीक है, तो चलो अब ना ये कैसे कैसे मिलके बनते हैं, कैसे कैसे टिश्यूज से मिलते हैं, मैं आपको एक फ्लो चार्ट लिखूंगी उस सीक्वेंस में, बस इसको एज इट इज रट लेना और याद कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हमारे बेटा क्या होते हैं, टू मच पेनफुल ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं बेटा। ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब कोई भी, देखो कोई भी ऑर्गन है वो हमारे टिश्यूज से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे जो टिश्यूज प्रेजेंट है ना बेटा वो कौन से हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ग्लैंडुलर टिश्यू कंबाइन किए और क्या बनाया, 15 to 20 मेमोरी लोब। क्या बनाया बेटा, 15 to 20 मेमोरी लोब। अब ये मेमोरी लोब क्या हो गए बेटा, कंबाइन किए और क्या बनाया, एल्वियोलाई। क्या बनाया, एल्वोलाई। अब जो बताने वाली बात है ना वो ये है, ये एल्वोलाई वो साइट है जिस साइट पे हमारे मिल्क क्या होता है, सिक्रीट होता है। क्या होता है बेटा, हमारे मिल्क सिक्रीट होता है। ठीक है, तो अब हमारे एल्वोलाई मिलके बेटा क्या बनाते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। क्या बनाते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स ये मैं वापस लिख के सिर्फ उन बच्चों के लिए बता रही हूँ क्योंकि जिन्होंने अभी नया ज्वाइन किया है ना। बाकी बेटा ऐसा पूरा लिख के मैंने मेरे पुराने लेक्चर्स में बताया, अगर आप नहीं होते तो इट्स बी लाइक मैं ओरली ऊपर से बताती, तो ये आप लोग ध्यान से देख लेना है ना। मेमोरी ट्यूब्यूल्स क्या मिलके बना रहे हैं, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट जो है फर्दर वो मिलके बनाती है हमारे मेमोरी एम्प्यूला। क्या बनाती है, मेमोरी एम्प्यूला। ठीक है बच्चा पार्टी, मेमोरी एम्पुला मिलके बनाते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। व्हाट, लैक्टिफेरस डक्ट। एंड इट फ्रॉम लैक्टिफेरस डक्ट के बाद आपके बाहर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको निप्पल कहा जाता है, और उसके थ्रू जो मिल्क है वो क्या होता है, सक्ड आउट। मिल्क इज सक्ड आउट। तो आपको जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है ना, डिफरेंस वो ये देखना है कि अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि मिल्क सिक्रीट कहाँ हो रहा है और सक्ड आउट कहाँ हो रहा है, तो आपको बेटा ध्यान रखना है और डिफरेंस याद करना पड़ेगा कि सिक्रीट अलग है और सक्ड आउट अलग है। इज दैट क्लियर। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये आपका हो गया हमारे स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, ऊजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऊजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले यार ऊजेनेसिस होता है हमारे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवा विच इज एग। तो यार हम बोलते रहते हैं ओवा रिलीज हुआ है, एग रिलीज हुआ है, जैसे आप देखते हो आपने सुना होगा हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग रिलीज होता है ना। एक एग रिलीज हो रहा है हर एक ओवरी से, तो बोलते हैं कि यार उसकी की वजह से हमारे क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है। तो यार ये अगर रिलीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं से ये बने होंगे है ना, तो ये कहाँ से बने हैं उसी को हम कहते हैं क्या, ओजेनेसिस। क्या कहते हैं, ओजेनेसिस। तो आपके सामने बेटा ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, देखो आ रहा है नजर, तो यस ये किसका है, ओजेनेसिस वाला पार्ट है। तो देखो यार सबसे पहले ये सब छोड़ना, मैं आपको ना एक कहानी बताती हूँ, उसी टाइप से सुनते जाना। देखो एक नाम होता है उगोनिया। क्या होता है, उगोनिया। ये बेटा जो फीटल का ओवरी होता है ना, जैसे एक वुमेन है वो प्रेग्नेंट है, उसके अंदर एक बेबी गर्ल है। ठीक है, तो वो जो बेबी गर्ल है वो क्या, फीटस है। तो उसकी जो ओवरी में प्रेजेंट होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, ओगोनिया। उसमें ओवा या एग प्रेजेंट नहीं होता, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओगोनिया। ठीक है, अब ये ओगोनिया क्या होता है बेटा, बहुत सारे इसके अंदर माइटोसिस होता रहता है, यानी कि क्या होता रहता है, इसमें मल्टीप्लीकेशन होता रहता है। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो बहुत सारे उगोनिया बनते जाते हैं, बहुत सारे उगोनिया बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। इज दैट क्लियर।
जब वो बेबी मतलब मदर के पेट में है, तब उसको कहेंगे हम उगोनिया, बहुत सारे उगोनिया बन रहे बन रहे बन रहे बन रहे बन रहे। अब ना एक टाइम आता है, ठीक है, उस जब हमारा वो जो बेबी है उसका क्या होता है, बर्थ होता है। जैसे ही उसका बर्थ होता है, उस टाइम पे उस उगोनिया को कह दिया जाता है प्राइमरी ओसाइट। क्या कह दिया जाता है? प्राइमरी ओसाइट। इज दैट क्लियर? और ये वो स्टेज है बर्थ की जब हमारे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। क्या होगा? मियोटिक डिवीजन मतलब डिवीजन होना, ठीक है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो था वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सॉरी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो हमारे स्टार्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है। अब ये जाके कब कंप्लीट होगा, कब नहीं होगा, वो अलग बात है। और ये होता है हमारी प्रोफेज में, प्रोफेज फर्स्ट। ये सब आपने 11th में पढ़ा होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, यस एनाफेज, मैम, प्रोफेज, है ना। तो ये प्रोफेज फर्स्ट के वक्त ये वाली कंडीशन है। तो अब मियोटिक डिवीजन शुरू हो चुका है। तो अब क्या होगा यार, इसके अराउंड ना प्राइमरी ओसाइट किसके अंदर है? एक बेबी के अंदर है जिसका भी बर्थ हुआ है। तो अब बर्थ हुआ है, बर्थ से लेके वो आएगी प्यूबर्टी वाली स्टेज। कौन सी? प्यूबर्टी वाली स्टेज। तो उस स्टेज तक इसका पता क्या चलेगा? कंटिन्यूअसली इसके जो आसपास के जो सेल्स हैं, ठीक है, वो बनना शुरू होंगे। तो इसमें क्या बनेगा? प्राइमरी फॉलिकल बनेगा इसके अराउंड। ये जेनिटल क्या हो सकते जाएगा? प्राइमरी ओसाइट विल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो यार अब पता क्या होता है, देखो पहले ये उगोनिया था, फिर ये प्राइमरी ओसाइट बन गया, फिर ये बन गया प्राइमरी ओ फॉलिकल। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ना, बनते 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 जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी पे आते आते ये बस कुछ कितना बच जाता है, 60,000 to 80,000 इन ईच ओवरी। हर एक ओवरी में ना सिर्फ और सिर्फ कितने कितने बचते हैं? 60,000 80,000, जो पहले मिलियंस में थे। उगोनिया कितने थे? हम वो जो फीटस बेबी जो था वो मदर के पेट में था, तब मिलियंस में थे उगोनिया। फिर वो बनता 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 बर्थ पे बन गया प्राइमरी ओसाइट। बर्थ से वो बनता 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 प्यूबर्टी पे क्या बन गया? प्राइमरी फॉलिकल। और उस वक्त तक कितने बचे? 60,000 से 80,000। अब ये प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होता है? सेकेंडरी फॉलिकल में। मतलब इसमें लेयर्स कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई होती रहती है। सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है? टर्शरी फॉलिकल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? टर्शरी फॉलिकल में। तो अब ना एक इसमें जो डिफरेंशिएटिंग फीचर है बेटा, वो ये है कि जो टर्शरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल से कैसे डिफरेंट है? तो ये डिफरेंट ऐसे है कि जो टर्शरी फॉलिकल है ना बेटा, इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एंट्रम। एंट्रम हाँ, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है कि जैसे ये टर्शरी फॉलिकल है, तो इसके अंदर ना एक येल्लो कलर की ऐसे एक फ्लूइड की कैविटी प्रेजेंट होती है, और उस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम। वो मैं भी आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे पहले उगोनिया, फिर प्राइमरी ओसाइट, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। अब देखो टर्शरी फॉलिकल ना प्राइमरी ओसाइट के अराउंड लेयर बन रही थी। क्या थी? प्राइमरी ओसाइट के अराउंड लेयर बन रही थी, है ना। इसके अराउंड एक लेयर बनी तो हमने क्या बोल दिया? प्राइमरी फॉलिकल। इसके अराउंड एक और लेयर बनी तो हमने क्या बोल दिया? सेकेंडरी फॉलिकल। इसके अराउंड एक और लेयर बनी तो हमने क्या बोल दिया इसे? टर्शरी फॉलिकल। पर जब अगर लेयर्स बढ़ रही है, उस वक्त ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये भी तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो बेटा ये क्या होता है, ये भी कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और क्या करता है? ये अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर देता है, जो इसने यहाँ पे स्टार्ट किया था। किया था यहाँ पे इसने स्टार्ट बर्थ से, उसने अपना प्राइमरी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट किया था, वो ये जाके कंप्लीट कर देता है प्यूबर्टी पे। इज दैट क्लियर? और क्या यस मैम, बनाता है ये? दो, ये प्राइमरी ओसाइट दो चीजें बनाता है, जिसको कहते हैं हम सेकेंडरी ओसाइट। क्या कहते हैं? सेकेंडरी ओसाइट ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ओसाइट ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये जो पोलर बॉडी होती है ये कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है ये? हैप्लॉइड। तो यहाँ पे हमारा ये जो सेकेंडरी ओसाइट बना है, ठीक है, इसके अराउंड भी एक नई लेयर बनना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं जोना पेलोसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेलोसिडा, ठीक है।
समझे? यस मैम। अब ये इसके अराउंड, तो देखो ये प्राइमरी ओसाइड तो किसमें कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी ओसाइड में। सेकेंडरी ओसाइड के अराउंड एक और लेयर आ गई जिसको हमने कह दिया जोना पेलुसिडा। बट ये जो टर्शरी फॉलिकल है ये फर्दर और कन्वर्ट होता जाता है, किसमें कन्वर्ट होएगा? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। किसमें? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल फिर एक टाइम पे आता है, क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है। क्या होता है? रप्चर, फट जाएगा। और जैसे ये फटेगा ये सेकेंडरी ओसाइट जो इसके अंदर प्रेजेंट है ना, ये रिलीज हो जाता है। और जैसे ही ये सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, इसी को कहते हैं हम ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं बेटा? ओव्यूलेशन। इज दैट क्लियर? देखो यस मैम। मैं आपको कुछ कुछ बच्चे हैं उनके लिए मैं बताती हूँ। लेट से बर्थ पे ये क्या था, अब डायग्राम से बता रही हूं मैं, ये क्या था? ऊगोनिया था। बर्ड्स पे क्या था? ऊगोनिया। ये था बर्ड्स में, बहुत सारे मिलियंस में बन गए। कितने? मिलियंस ट्रिलियंस में बन गए। अब क्या होगा, ये क्या आ जाएगी हमारा बर्ड्स से, सॉरी ये हमारा है फीटल, फीटल लाइफ। जब वो पेट में है तो उसको हमने कहा ऊगोनिया। तो अब क्या होगा, बर्थ हो गया। बर्थ होने पे इस ऊगोनिया को मैंने नाम दे दिया बेटा क्या? प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट। क्या नाम दिया है? प्राइमरी ओसाइट। ठीक है, तो अब ये जो प्राइमरी ओसाइट है, ये रहा ऐसा ही है प्राइमरी ओसाइट। अब ये जो प्राइमरी ओसाइट है इसका प्यूबर्टी तक लेके चलते हैं। तो प्यूबर्टी के दौरान ये जो प्राइमरी ओसाइट है ना, ये रहा, इसके अराउंड लेयर आएगी। क्या आएगी? लेयर। अगर इसमें एक लेयर आई तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। फिर इसमें एक और लेयर आ जाएगी तो इसको हम कह देंगे सेकेंडरी फॉलिकल। फिर इसमें एक और लेयर आ जाएगी, इसको हम कह देंगे टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल। क्या बोल देंगे? टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, तो ये सारी कहानी कब चल रही है? प्यूबर्टी के वक्त तक चल रही है। ठीक है, प्यूबर्टी पे ये कहानी यहां से हटाओ, यहाँ पे लिख दो, प्यूबर्टी पे ये कहानी एंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखो, देखो प्राइमरी फॉलिकल आ गया, सेकेंडरी फॉलिकल आ गया, टर्शरी फॉलिकल आ गया। तो ये जो ब्लैक वाला हमारा प्राइमरी ओसाइट है ये भी साइज में बढ़ेगा। और जैसे ही साइज में बढ़ेगा तो ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये क्या हो जाएगा बेटा? प्राइमरी ओसाइट डिवाइड हो जाएगा। किसके अंदर? दो के अंदर। एक को कहेंगे हम सेकेंडरी ओसाइट और एक को कहेंगे हम हैप्लॉइड पोलर बॉडी, फर्स्ट हैप्लॉइड पोलर बॉडी। ठीक है, तो अब ये प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट नहीं रहा है, क्या बन गया प्यूबर्टी पे? ये सेकेंडरी ओसाइट बन चुका है। क्या बन गया? ये सेकेंडरी ओसाइट बन गया है। ठीक है, तो अब हम प्यूबर्टी से आगे चलते हैं। कब चलते हैं? प्यूबर्टी से आगे। तो देखो ये जो टर्शरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल है, इसके अराउंड एक और लाइन आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। अब फॉलिकल। भैया यार इस ग्राफियन फॉलिकल और इसके अंदर जो प्रेजेंट है, इसको ये ब्लैक वाला, इसको अब हम देंगे सेकेंडरी ओसाइट नाम। अब यहाँ पे इसको प्राइमरी ओसाइट जो था ना, प्राइमरी ओसाइट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट। तो एक टाइम आएगा कि भाई जो ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये फटेगा इसके अंदर ये जो सेकेंडरी ओसाइट था ये क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलीज। सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाएगा और इसमें क्या हुआ, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया। क्या हो गया? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया। ठीक है, और जैसे ही ये रिलीज होता है सेकेंडरी ओसाइट, इसी को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। ठीक है, जो किसमें होता है? हमारे प्यूबर्टी पे होता है। समझे? यस मैम। देख लो बाकी के सब, देख लो एक बार डायग्राम, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। ये सेकेंडरी ओसाइट पता है क्यों रिलीज होता है? क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट के अराउंड भी एक और लाइनिंग आ जाती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलोसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेलोसिडा। आपसे मतलब क्वेश्चन किया जा सकता है कि सेकेंडरी ओसाइट के अराउंड कौन सी लेयर आती है ना, टर्शरी फॉलिकल के अराउंड कौन सी लेयर आती है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि सेकेंडरी ओसाइट के अराउंड आती है जोना पेलोसिडा, ग्राफियन टर्शरी फॉलिकल के अराउंड आती है हमारे ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है। यस मैम। यस मैम।
को कोई कंफ्यूजन? नो मैम, आयुष, संजना, सौरभ, विशाल, याजदान। नो मैम, गोनिया में ये सारी प्रोसेस हो रही है क्या बेटा? ओ देखो, उगोनिया जो था वो कन्वर्ट हो गया प्राइमरी ओसाइट में बर्थ में, फिर प्राइमरी ओसाइट किस में कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी ओसाइट में, और सेकेंडरी ओसाइट जब रिलीज होता है उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ये कन्वर्जन है, ये एरो क्या है? कन्वर्जन। प्राइमरी जो उगोनिया था वो प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी ओसाइट हमारे सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हुआ, और वो सेकेंडरी ओसाइट हमारे प्यूबर्टी पे क्या हुआ? रिलीज हो गया बच्चा, समझे? क्या पूछने जा रहे हैं प्रोसेस हो पा रही है, ये बच्चा? प्रोसेस हो पा रही है ये कहाँ हो रही है? ये बेटा ओवरी में ओवरी हो में। रही है, ओवरी में। आपके ओवरी में जो एग बनता है, फीमेल गैमेट जो बनता है, वो कैसे बनता है? उसको हम कहते हैं ओजेनेसिस, ठीक है? आपका ये पहला लेक्चर है क्या? यस मैम, इस चैप्टर का पहला ही है। ओके ओके ओके, आई गॉट इट गॉट इट। ठीक है, आपका ये पहला लेक्चर है। तो इट्स लाइक मेरा ना डिटेल्ड लेक्चर भी इसका अपलोडेड है, वहां भी इसको जाके देखना। ये थोड़ा फिर भी शॉर्ट में था, इतना शॉर्ट में नहीं था बट था शॉर्ट में। रुको, मैं आपको उसका एक बैकग्राउंड और दिखाती हूँ जो वहां पे दे रखा है। रुको, अभी और समझ आएगा तुम्हें। दिख रहा है? देखो ये ना, ये चैप्टर ना पहले पढ़ा गया है, इसको मैं सब रिवाइज करवा रही हूँ। ये जो ना, ये वाला आपको दिख रहा है, ये बेटा क्या है यहाँ पे? इससे पहले यहाँ पे जो बोले हैं इसको हम कहते हैं उगोनिया। अब देखो, उगोनिया हमारे किसे कन्वर्ट हुए पहले? ये हमारा ओवी का, मेच्योर ओवी का दिखा रहे हैं, हमारे बड़े वाले का। फीटल में पहले उगोनिया था, उगोनिया किस में कन्वर्ट हुआ? प्राइमरी हमारे ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया। इट्स सो मच मीनिंग बेटा। प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो प्राइमरी ओसाइट है, इसके अराउंड देखो ये लाइनिंग दिख रही है आपको, ये रेड 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 रेड, इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब ये देखो यहाँ पे और दो लाइन आ गई, यहाँ पे इस कलर से बताती हूँ, ये लाइनिंग आ गई प्राइमरी ओसाइट। अब यहाँ पे दो लाइनिंग आ गई, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी सेकेंडरी फॉलिकल, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी लाइन आ गई और एक बीच में कैविटी आ गई, तो इसको बोलेंगे टर्शरी फॉलिकल। एंथम फिर टर्शरी फॉलिकल में एक और लाइनिंग आ गई, तो हमने बोल दिया ग्राफियन फॉलिकल। और देखो जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल फटा तो इसके बीच में से क्या निकल गया? ओवम निकल गया। अभी मैंने सिर्फ आपको यहाँ तक का बताया, आगे का प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम, और इसी को, ओवम के रिलीज होने को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन, ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट। मैम आपको भी आई फ्लू हो गया क्या? हाँ बच्चा, इवन मेरी आंख भी नहीं खुल पा रही है, मुझे स्क्रीन पे जी कुछ मैम, दिख भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। आई कांट सी एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट। मेरा ये जो राइट वाला है ना, पूरा बंद हो चुका है। इवन आई लैशेज जो है ना, वो दोनों चिपके हुए हैं इस वाले, मेरे राइट वाले आई के। मैं अभी सिर्फ एक आई से देख रही हूँ, जिसके अंदर भी वो इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो उसी से देख पा रही हूँ मैं थोड़ा सा। जी मैम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, सबसे पहले हमारे फीमेल में स्टार्ट होती है
और वो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पे आने के बाद। और ये एक साइकिल है, ये कुछ 28 से 29 दिन की होती है, जो पीरियोडिक है, हर मंथ चलेगी चलेगी चलेगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसा नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल सुनते ही दिमाग में आता है वो 4-5 डेज का जो ब्लीडिंग फेज होता होगा, दैट इज मेंसेस। नो, दैट इज नॉट मेंसेस। ये जो पूरा आपका महीना है ना, इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, कि इस पूरे महीने में वो प्रोसेस कैसे चला है और कौन से प्रोसेस के वक्त क्या हुआ है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो यार ये जितने भी फीमेल प्राइमेट्स होते हैं ये सब में होती है। एक टाइम आता है जब ये फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल ना क्या होती है, स्टार्ट होती है, उस टाइम को हम बोलते हैं मिनार्क। मोनार्क। क्या बोलते हैं? मिनार्क, दैट इज मीनार्क। ठीक है, और जो कुछ हमारे 12 to 13 एज मान लो वापस स्टार्ट हो जाती है आजकल, और अगर हम बात करें मतलब प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाती है, और अगर हम बात करें एक स्टेज आता है जब ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है साइकिल, और उसको हम बोलते मीनोपॉज। हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं हम? मीनोपॉज, जो कि हमारे आजकल 45 और 50 की एज में यार आराम से हो जाता है, उसके बाद ये साइकिल नहीं चलती है। ठीक है, और क्योंकि ये साइकिल नहीं चलती है, उसके बाद ये फीमेल जो होता है अपना रिप्रोडक्टिव लाइफ खो देती है, उसके बाद शी कांट गेट प्रेग्नेंट, शी कांट प्रोड्यूस बेबी। ठीक है, क्यों? तो ये साइकिल जब तक चल रही है तब तक वुमेन क्या कर सकती है, बेबी को पैदा कर सकती है। ठीक है, चलो अब ना ये जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना बेटा, इसके अंदर ना क्या है, कितने फेजेस है बताओ? मैम चार। 4 पेजेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, चलो ये लिखती हूँ यार, नहीं नेक्स्ट पेज पे देखो कितने फेजेस है। चार। पहला फेज है जिसको हम कहते हैं ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल फेज। फेज। क्या कहते हैं बेटा? मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड फेज जिसको हम कहते हैं, वो कहते हैं हम फॉलिक्यूलर फेज। क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर फेज। थर्ड फेज जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं नो नॉट थर्ड इज ल्यूटियल। थर्ड फेज हमारा होता है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। क्या ओव्यूलेटरी। होता है? ओव्यूलेशन। और फोर्थ फेज जो हमारा होता है वो होता है ल्यूटियल, और ल्यूटियल फेज को हम क्या कहते हैं? सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही जैसे फॉलिकुलर फेज है तो फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिंग प्रोलिफरेटरी। फेज भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो यस मैम। देखो कहानी कैसे चलेगी, हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फेज से, यानी फर्स्ट डे आप जो कैलकुलेट करते हो वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको हम कहते हैं ब्लीडिंग फेज। क्या कहते हैं? ब्लीडिंग फेज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है, कोई मुझे नाम बताएगा? एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, पेरिमेट्रियम। वेरी गुड। तो जो एंडोमेट्रियम होती है ना बेटा, वो क्या होती है, इस वक्त ब्रेक डाउन हो जाती है। मेंस्ट्रुअल फेज में जो एंडोमेट्रियम होती है वो क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं और जितना भी अंदर मटेरियल होता है वो क्या होता है, बाहर आने लग जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ब्लड वेसल्स टूट के बाहर आ रहे हैं, एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आ रही है, इसीलिए वो क्या रिजल्ट करती है? ब्लीडिंग। इसकी वजह से बोलते हैं कि ब्लड रिलीज हो रहा है। ठीक है, और वो किसके? लिक्विड के फॉर्म में थोड़ा सा रिलीज होता है। तो ये फेज बेटा कितने? 3 से 5 दिन तक चलती है। कितने दिन? 3 से 5 दिन ब्लीडिंग रहेगी, 3 से 5 दिन बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो सवाल ये उठता है, जब ब्लीडिंग बंद हो जाती है उस वक्त क्या होता है? तो देखो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ, आपका जो एंडोमेट्रियम था वो टूटा था, तो अब एंडोमेट्रियम टूट गया भैया, वापस भी तो एंडोमेट्रियम को लाना पड़ेगा। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, वो जो एंडोमेट्रियम टूटा था वो वापस से बनना शुरू होता है, मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, डेवलप होना शुरू होता है। तो इसीलिए इसको जो बोलते हैं प्रोलिफरेटिंग। क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिंग। अब इसके वक्त सिर्फ जो एंडोमेट्रियम है ना वही नहीं बनता, वो तो बनता ही बनता है, साथ ही क्या होता है, वो अभी जैसे मैंने आपको बताया ना पिछले वाला स्टेज, जब हमारा प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्शरी में, तो ये स्टेज इस वक्त चलता है, क्योंकि यार देखो प्राइमरी को सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी को टर्शरी में करना होगा कन्वर्ट, ये फेज हर बार चलेगा। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? टर्शरी फॉलिकल में। इसीलिए इसको फॉलिकुलर फेज भी कहा जाता है, कि जो फॉलिकल्स हैं उसका डेवलपमेंट होता है इस वक्त। ठीक है, और क्योंकि फॉलिकल्स डेवलप होते हैं तो उसके बीच में जो प्राइमरी ओसाइट है वो सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होता है,
हाँ के ना, और फिर एक टाइम यस आता है मैम, कि प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी टर्शरी में, टर्शरी ग्राफियन फॉलिकल में, और जो प्राइमरी ओसाइट था वो सेकेंडरी ओसाइट में, ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और ओवम रिलीज करता है। यही पढ़ा था अभी हमने पिछले इसमें, यस तो मैम, ये यहाँ पे हो रहा है फॉलिकुलर फेज में। अब ना इस फेज में जो बताने वाली बात है वो ये कि इस वक्त क्या होता है, जो LH और FSH हार्मोन होता है वो क्या होता है, धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो हमारा फॉलिकुलर डेवलपमेंट है ना वो भी होता है, क्योंकि LH और FSH ही हेल्प करवाते हैं इसको डेवलप करवाने में बेटा, ठीक है, समझ पड़ा बात। पर अब ये जो फेज है ये रहता है 6 से 13 दिन, जैसे 3 से 5 दिन रहा तो ये 6 से 13 दिन रहेगा, है ना, 6th डे से 13वें दिन तक। तो 13वें दिन के बाद क्या होता है, एक 14th डे आता है, कौन सा आता है, 14th डे आता है, जब ये जो LH हार्मोन होता है ना ये एकदम से बढ़ जाता है, बहुत हाई होता है, एकदम पीक लेवल होता है, और वो पीक लेवल आने की वजह से क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल फटता है और रप्चर हो सेकेंडरी जाता ओसाइट रिलीज होता है, और उसी को ओवम के रिलीज होने को हम क्या कहते हैं, है ओव्यूलेशन। ओविलेशन, क्या कहते हैं, ओविलेशन। और ये कौन से डे पे होता है, 14th डे पे फोर्टीन्थ होता डे है, ठीक है। अब 14th डे तक की कहानी यहाँ पे हो गई, अब बाकी के 15वें दिन से क्या होगा, बाकी के दिन तक, तो उस वक्त क्या होगा, जो ग्रेफियन फॉलिकल का जो पार्ट बचा है, ग्रेफियन फॉलिकल क्या हुआ है, फट गया है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज कर दिया है, इट इज ओविलेशन। तो ग्रेफियन फॉलिकल का जो पार्ट बचा है वो किस में कॉर्पस कन्वर्ट ल्यूटियम, हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में, किस में, कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। और वो कब कन्वर्ट होगा, जैसे इफ इन केस 14th डे पे, अगर 14th डे पे सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया है तो उस वक्त क्या होता है, सबसे ज्यादा हाई प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, सबसे ज्यादा, क्योंकि 14th डे पे एग रिलीज हुआ है ना। लेट्स से मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, मैम स्पर्म की वेबिलिटी कितने दिन तक होती है मैम फीमेल वेजाइना में? 3 दिन मान के चलो, मैम 3, हाँ आप किसके अंदर बात कर रहे हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में बात कर रहे हो ना, यस मैम। हाँ 3 दिन मान के चलो, अप्रोक्स इट्स एवरेज 3 दिन, कभी कभार 4 भी हो जाता है, 5 भी, और कभी कभार 1 दिन भी नहीं होता, तो इट्स लाइक कि अंदर कैसा एनवायरनमेंट है क्या नहीं है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो लेट से मानो कि ये क्या है, मेरा 14th डे है, क्या है, 14th डे, और इस वक्त मतलब एग ने यहाँ से रिलीज किया है ये है, और 14th डे पे एग यहाँ पे पहुंच चुका है, और 14th डे पे एग यहाँ पे प्रेजेंट है, 14th डे पे अगर इंटरकोर्स परफॉर्म हुआ है तो स्पर्म क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे आके उससे मिल जाएगा उसको एकदम, और हमारे क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी हाथों हाथ, हाथों हाथ प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहिए अगर आपको प्रेगनेंट नहीं होना है तो, और अगर होना है तो आप 14th डे पे सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करो, ठीक है। तो यही किस टाइम पे, 14th डे, ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या हुई है, प्रेगनेंसी हुई है। तो अगर 14th डे पे अगर प्रेगनेंसी हो गई, तो मैंने आपको ये जो बताया ना, हमारा ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। और हमारे कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, जो क्या करेगा, हमारे कॉर्पस ल्यूटियम को और साइज में इंक्रीज करेगा, करेगा और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। और इफ इन केस अगर 14th डे पे हमारे हमारे सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म नहीं किया है, तो बेचारा वो एग जो है वो क्या करता है ना, देखो क्या होता है, ये जो एग होता है, अब अगर हमारे सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म ही नहीं हुआ है, कोई एग ही नहीं आया, तो ये क्या करता है, 15 दिन ट्रेवल करते करते बाहर रिलीज हो जाता है, और बाहर किसके, ब्लड के फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा, एंडोमेट्रियम को ब्रेक डाउन करते हुए, और ये जो साइकिल है ये वापस से कंटिन्यू हो जाती है, मेंस्ट्रुअल फेज वाली, मेंस्ट्रुअल फेज आएगा, फिर वापस फॉलिकुलर फेज आएगा, फिर वापस ओव्यूलेशन होगा, फिर वापस ल्यूटियल फेज होगा। तो इफ इन केस पहले मेंस्ट्रुअल फेज हुआ, फिर फॉलिकुलर फेज, और फिर ओव्यूलेशन के वक्त अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो गई तो क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, और यहाँ पे कोई भी ब्लीडिंग नहीं होगी। पर अगर ओव्यूलेशन 14th डे पे अगर हमारे प्रेगनेंसी नहीं हुई है, सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म नहीं हुआ है, वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होगी, तो ये जो है
ये ओवम क्या होता है, हमारे 10-12 दिन बाद वापस से बाहर रिलीज हो जाता है, समझे? अरे समझे, यस मैम। बताओ। बेचारी संचना बोली, कोई तो यस बोल दे यार। यस मैम। बाकी 14 डे? क्या बाकी 14 डे बेटा? बाकी 14 डे क्या होता है आपको पता है? बाकी 14 डे हमारा ल्यूटियल सिक्रेटरी फेज चलता है। 14 डे पे ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म हुआ है तो वो आगे 14 डे से पूरा आगे 9 मंथ तक प्रेगनेंसी चलेगी। हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज वापस स्टार्ट नहीं होगा। अगर 14th डे पे प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो बाकी के जो 14 दिन है उसके अंदर हमारा जो ओवम है वो रिलीज होने के लिए तैयार होगा, और 4th डे वापस आते वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, हाँ के ना? यस मैम। होगा एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन। कौन सा जंक्शन? एम्पुलरी, ये एम्पुला स्टमस, ये ना, तो ये जो जंक्शन है ना इसको कहते हैं एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन। जो प्रेगनेंसी होती है ना वो इसी जंक्शन पे होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर किसी दिन आएगा 17 दिन पे 18 दिन पे तब ये बेस्ट जंक्शन होता है। ये जो साइड होती है ना, जैसे हमारा फेलोपियन ट्यूब कैसा होता है, ऐसा होता है फेलोपियन ट्यूब। तो ये जो जंक्शन होता है ना बेटा, ये वाला, इसको हम कहते हैं एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन। क्या कहते हैं? एम्पलरी स्टमिक। एग आ रहा है तो 14th डे पे यहाँ पे पहुंचता है, और यहाँ ही पे, यहाँ मिले तब प्रेगनेंसी नहीं होती। क्यों? चलो हो भी जाती है बेटा, हो भी जाती है, माना हो भी जाती है, पर क्या है, ये वो साइट नहीं है होगी, थोड़ा यहाँ पे नीचे की तरफ। तो वो क्या होगा, वो एनवायरमेंट, वो जो लाइनिंग यूटरस की, सर्विक्स की, वो उसको सपोर्ट नहीं करती है। क्या नहीं करती है? सपोर्ट नहीं करती है, मिसकैरेज हो जाता है, और मिसकैरेज होने की वजह से क्या होता है, वो वापस जो फीटस था वो तो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड निकल ही जाता है, हाँ के ना, टिश्यूज के फॉर्म में। तो इसीलिए एम्पुलरी स्मिक किसी ने हैंड रेज किया? अभी ब्रेक हो रहा है मेरा आवाज? मैम अभी नहीं हो रही है। हाँ 1 सेकंड के हो सकता है यार, मेरा वाईफाई बहुत स्टेबल है। देखो अब मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, चलो मुझे मैम अब फिर से ब्रेक हो रही है। क्या कल गिव मी अ मिनट।
अभी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, आप मुझे ये बताओ, टर्शरी फॉलिकल को कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप? उसमें एंट्रम होता है ठीक है, एंट्रम कौन से कलर का होता है? येलो। येलो कलर का होता है। ठीक है, क्या ये एंट्रम सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्रेजेंट होता है? नो मैम। नो मैम। तो ये जो टर्शरी फॉलिकल है, ये आगे जाके किसमें कन्वर्ट होता है? ग्राफियन ग्राफियन पॉलीगन। पॉलीगन। अच्छा, क्या ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है कभी? तो यस मैम। अगर वो रप्चर होता है तो उसमें से क्या रिलीज होता है? ओवम। ओवम। उस ओवम को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी उसमें। सेकेंडरी होता है। वाह यार, ये बहुत अच्छा था जिसने भी बोला ओवम रिलीज होता है, क्योंकि जब तक वो रिलीज नहीं हुआ है उसको हम बोलते हैं बेटा सेकेंडरी ओसाइट। क्या कहते हैं? सेकेंडरी ओसाइट। आई एम सॉरी, जब तक वो रिलीज नहीं हुआ है ना बेटा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट, और जैसे ही वो रिलीज हो जाता है उसको हम बोलते हैं ओवम। जैसे ही वो रिलीज होता है उसको नाम दे दिया जाता है ओवम। इज दैट क्लियर? यस अच्छा, मैम। अब मुझे बताओ, वो जो फीटल होता है, वो बचपन में जब वो मम्मी के पेट में होता है बच्चा बच्ची, उसको क्या बोलते हैं? क्या मैम। मम्मी के पेट में जब फीटल स्टेज में होता है ना, तो ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम अभी तो ओवम बोलते हैं, उस वक्त क्या बोलते हैं? उगोनिया। 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 ऊटिड क्या होता है? अच्छा चलो, ऊटिड अभी आपको नहीं बताया, किसी को पता है क्या ऊटिड क्या होता है? बेटा बेटा, वैसे तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, पर ठीक है कोई बात नहीं। चलो, ये क्लियर है सबको, इसमें किसी को किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है आई थिंक। नो मैम। ठीक है, तो इसी बात पे ना मुझे एक बात बता दो, आपका जो हाइमन होता है क्या वो इंडिकेटर है कि किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया है या नहीं किया है? नो मैम। नहीं है। ठीक है, आजकल क्या वो सब में पाया जाता है हाइमन? नो मैम। नो मैम। नहीं पाया जाता, ये भी ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपका जो बेटा आपका जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक यूरिथ्रल ओपनिंग जो होती है, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ट्रायंगुलर शेप का, उसको क्या कहते हैं? क्लिटोरिस। हाँ गुड, ठीक है ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आपके कितना ओवरीज प्रेजेंट होता है बॉडी में? दो। ठीक है, तो जो हमारे बेटा ओवरीज है उसका बेसिकली फंक्शन क्या है? ओवम का वेरी प्रोडक्ट गुड रिलीज करना और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करना। वेरी गुड। ठीक है, लेट से इफ इन केस 14th डे पे अगर मेरे को प्रेगनेंसी हो गई है, 14th डे पे सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म हुआ है और प्रेगनेंसी हो गई है, तो मुझे ये बताओ कि वो जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो किसमें कन्वर्ट होगा? कॉर्पस ल्यूटम। अच्छा, तो कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्ट्रॉन। और बेटा प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है? प्रेगनेंसी में हेल्प करता है और कॉर्पस ल्यूटम के साइज बढ़ाता वेरी गुड। मेंटेन करता है मैम कॉर्पस ल्यूटम की। ठीक है, और इफ इन केस 14th डे पे, इफ इन केस 14th डे पे अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो उस ग्राफिन फॉलिकल का क्या होगा? सेकेंडरी और साइड रिलीज हो ब्लीडिंग। जाएगा। वो ब्लीडिंग केस के साथ चला ग्रेफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, वो बाहर की लाइनिंग है ग्रेफिन जाएगा। फॉलिकल तो। कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ राइट, और अगर वो टूटेगा ही नहीं, वेरी गुड यासदान, अगर वो टूटेगा ही नहीं तो सेकेंडरी ओसाइट कैसे निकलेगा? आके ना, तो वो जो यस रप्चर मैम। होके उसको, जैसे कि इसने यासदान ने बताया, उसको एल्बिकेंस कहते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाता है वो टूटने के बाद? कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यस आई थिंक इट इज सॉर्टेड, ओनली किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो अभी तक का हमारा जो भी था वो हम पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें। अच्छा मुझे जंक्शन बताओ, कौन से जंक्शन पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है? एम्प्यूलरी और किस्मत। एम्पुलरी? और नहीं,
उसका जंक्शन का नाम है एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन. क्या नाम है? एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन, समझे? दोनों हाँ, ऐसे कंफ्यूज नहीं होने का. अच्छा चलो ठीक है, सॉर्टेड है. बाकी तो बच्चा फिर क्लास खत्म करते हैं. आज तो मेरे लिए क्लास लेना काफी ज्यादा बहुत डिफिकल्ट वाला काम हो गया, बिकॉज आई गॉट आई फ्लू एंड इन्फेक्शन ऑफ वेरी सीवियर. मैं आंख भी नहीं खोल पा रही हूँ. आई कांट इवन सी यू, क्या चल रहा है क्या नहीं, मुझे कुछ होश नहीं है, ऐसा वाला कंडीशन है मेरा. तो या ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. मैं आपको अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर देती हूँ, आप अटेंडेंस भर दो. आज संजना इतनी शांत कैसे बैठी हुई है? ठीक है बच्चा, मैंने आपको अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर दिया है, इसको फिल कर दो और फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, बाय 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 एवरीवन. बाय मैम।